सीधे आपको ले चलते बालाघाट, जहां पर रक्षाबंधन और श्रवण उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए। इस अवसर पर श्रीमती रेखा बिसेन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी जी, श्रीमती लता एलकर जी, सत्यनारायण अग्रवाल जी पूर्व जिलाध्यक्ष, और मौसम बिसेन जी का तो मैं बोल ही चुका हूं, महामंत्री हैं, वैभव पवार जी युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष, जोरदार तालियां सारे नेताओं के लिए। खनिज सम्राट, खनिज में नाम अगर आता है तो 55 जिले में सब जिलों पे भारी, बालाघाट हमारा, जोरदार तालियां बजाए। इस खनिज सम्राट अलग से पहचान जिसकी बनी हुई है, तांबा, मैग्नीज, पता नहीं कितना प्रकार का रत्नगर्भा इस मध्य प्रदेश की धरती पर, विशेष कृपा मध्य प्रदेश में देश में हुई है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रत्नगर्भा का आशीर्वाद किसी को मिला है तो हमारी अपनी इस धरती बालाघाट की धरती को लग रहा है। मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से लगातार चिन्नौर का धान, आज मैं आया रास्ते में ही किसान बंधुओं ने मुझे घेर लिया, और चिन्नौर का धान जिसको जीआई टैग भी मिला है, चिन्नौर चावल, आप चिंता मत करो, धान को भी बोनस दिया जाएगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, 5 साल के लिए सरकार बनी, जैसे गेहूं में धीरे धीरे बोनस देते जा रहे हैं, ऐसे ही धान का बोनस भी चालू हो जाएगा। धान नहीं, अब तो गौ माता के दूध के ऊपर भी किसानों की आमदनी फसल की बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। देश की पहचान, ऐसा मानते हैं, दही दूध की नदियां बहती थी, अर्थात दूध पर्याप्त उत्पादन में जितना भी हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए। जिनके घर गाय वो सब गोपाल, तो हम तो सब गोपाल कृष्ण भगवान की, तो आने वाले समय में सभी किसान भाई बहनों के परिवार में जिस प्रकार से बदलते दौर में उनकी आमदनी बढ़ना चाहिए, और उनकी आमदनी बढ़ने के लिए जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने, बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, एक बार जोरदार तालियां बजा करके, जिनके कारण से आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा और हमारी सरकार और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए ताली बजाइए जोरदार तरीके से, जिनके कारण से हमारे अपने प्रदेश में बहनों को 50% का आरक्षण मिला है, और 50% आरक्षण के अलावा अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आने वाले 2029 के चुनाव में लोकसभा, विधानसभा, आज तक आजादी के बाद इतना आरक्षण का लाभ नहीं मिला था, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मैं दूसरे भाषण करने लग गया, आया तो रक्षाबंधन का उत्सव मनाने के था। आपको सबको सावन का महीना लग जाए, 1 साल के 12 महीने हैं, लेकिन 12 महीने में से 11 पता ही नहीं चलते हैं, और सावन का हमारी आधी आबादी को इंतजार रहता है। जैसे ही सावन के घुमरते घुमरते बादलों ने अपने कदम बढ़ाए, पेड़ों पे झूलों की बहार आएगी, बहनों की आंखों से चमक आ जाएगी। आप सबको प्रणाम करता हूं, पूरा सावन महीना बहनों को समर्पित कर रहा हूं, और होना भी चाहिए, हमारी संस्कृति इस बात को सिखाती है, घर के अंदर पहला हक माँ बाप का अपने बच्चों से प्रेम करने का, सर्वाधिक सम्मान पाने का, लेकिन इनके बराबर हक अगर किसी को मिला है तो वो हक मिला है हमारी बहनों को, जो माँ बाप के बराबर अपने भाई से प्रेम करती है। आपका प्रेम, आपका स्नेह जीवन भर मिलता रहे, ये कामना करते हुए आज के इस अवसर पर रक्षाबंधन उत्सव की जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत के पीछे भाव ही है, सरकारी आयोजन हो जाए और केवल छुट्टी घोषित कर दो और सरकार बरी जुम्मे, ऐसे नहीं चलने वाला। अरे हर उत्सव त्योहार आनंद से मनना चाहिए, सरकार भी भागीदारी रहे, और इन त्योहारों के पीछे छिपी हुई मूल भावना, कोई भी त्योहार हमारे यहां ऐसे ही नहीं बनाया गया, ऐसे तो कहा गया है
हिंदुस्तान में 12 महीने और 13 त्योहार, हमारे यहाँ त्योहार की संस्कृति है और त्योहार की संस्कृति से संस्कार जोड़े गए। हर एक त्योहार के पीछे प्रकृति के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ परस्पर भाईचारा बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे के रिश्ते निभाने के संस्कार छिपे हुए। हमारे लिए कहने वाले कहेंगे कि भाई ये त्योहार हम तो जानते हैं कि हाँ हमारे संघ के भी 6 उत्सव हैं, तो 6 उत्सव संस्कार देते हैं और वो केवल हमारे संघ के लिए मना ऐसा नहीं है, समाज भी मनाता है। मकर संक्रांति का उत्सव तिल तिल करके दिन बड़ा होता है और सूर्य देवता अपने पंख खोलते जाते हैं और दिन का उजाला बढ़ता है, रात का अंधेरा छटता है और अंधेरा छटता है अर्थात दुख कम होता है और सुख का सूरज निकलता है। इसमें मकर संक्रांति का पर्व भाई गिल्ली डंडे खेलेंगे, पतंग उड़ाएंगे, लेकिन जो जानते हैं कि माताएं बहनें अपनी बहन बेटियों के साथ अपने सुहाग की रक्षा के लिए अलग अलग प्रकार से संक्रांति का पर्व मनाती है, हमारी सरकार ने बनने के तुरंत बाद 7 दिन का नारी सशक्तिकरण अभियान मकर संक्रांति के जुम्मे किया था। दूसरा पर्व गुड़ी पड़वा का, गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पे नया साल प्रारंभ होता है। ये अंग्रेजी साल 1 जनवरी से भले ही हो जाए लेकिन सच्चे अर्थ में तो हमारा नया साल गुड़ी पड़वा से चालू होता है। जब ऋतुएं बदलती है और बदलती ऋतुएं एहसास कराती है हमारी प्रकृति से जुड़ने के लिए, 2 फसलों से मोटे तौर पर पूरा वर्ष हमारा मनता है, रबी की फसल के बाद खरीफ की फसल और इन फसलों के चक्र में एक तरफ दिवाली और एक तरफ होली के बाद नया साल का जो आनंद आता है वो विक्रम संवत की शुरुआत भी होती है और हमारे पुरुषार्थ प्रारब्ध और गौरवशाली इतिहास की तरफ भी बढ़ाती है। तीसरा हमारा गुरु पूर्णिमा, हमारे अपने पाठ्यक्रम में अभी कुछ समय पहले तक हमने अपने विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम बदल करके उसको भी कुलगुरु की संज्ञा दी, इसलिए गुरु हमारी परंपरा में अंधेरे से प्रकाश की ले जाने और ले जाने वाले शख्स का नाम हम गुरु के नाते से लेते हैं और हम सब जानते हैं कि हमारी इस परंपरा में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। अपने बीच स्कूल और कॉलेज दोनों मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा के माध्यम से पूरे प्रदेश में हमने गुरु पूर्णिमा मनाई और रक्षाबंधन का तो कहना ही क्या है। सारे त्योहारों में कोई त्योहारों का राजा है तो ये रक्षाबंधन है। एक बार फिर आपको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। 1 अगस्त से सावन के महीने में पूरे प्रदेश में जहां जा रहा हूं बहने इस हाथ में कम पड़ जाए तो इस हाथ में भी राखी बांधती और बांधना भी चाहिए। जब 1,39,00,000 बहने अगर लाडली बहना है तो उनका प्रेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उनका प्रेम तो ऐसे ही आता है, कोई यहां बिठाता कोई वहां बिठाता। आज मैं लगातार 4 घंटे से जबलपुर के बाद निकला हूं लेकिन रास्ते भर हर पंचायत जगह जगह बहनों के राखी के उस त्योहार का आनंद महसूस करते हुए आ रहा हूं और ये आनंद एक दिन नहीं चलेगा, ये लगातार चल रहा 10 तारीख तक। तो 10 तारीख तक हमने तय किया हर विधायक सांसद मंत्री पंच सरपंच पार्षद सब मिलके इस उत्सव का भाग बनेंगे और 10 तारीख के दिन एक साथ 25,000 स्थान पर एक साथ ये आयोजन का हिस्सा बनाया जाएगा और इसके माध्यम से लगभग 25,000 जगह सिंगल क्लिक के माध्यम से अभी तक लाडली बहनाओं को हम 11,000 रुपए से 11,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दे चुके हैं और अब की बार ये 250-1,250 तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन 10 तारीख को 250 रुपए और जुड़ेंगे, 250 अलग 1,250 अलग। ये 250 रुपए 10 तारीख को देने के पीछे भाव ये है कि बहन इस बार का रक्षाबंधन और धूमधाम से मनाए। मोदी जी की सरकार तीसरी बार बन रही है, ये आनंद हमको है। हमारी सरकार भी बनी है लेकिन सरकार के साथ त्योहार साथ मनाने की जो परंपरा चालू करी है उस परंपरा को निभाने के लिए 250 रुपए से आप अपने कुछ मिठाई खरीदोगे,
कुछ रक्षाबंधन की राखी खरीदना, बच्चों के कुछ कपड़े ले सकते हो, लेकिन ये सारा आनंद जब 19 तारीख के दिन अपनी भाई को जब आप राखी बांधोगे और माथे पे तिलक लगाओगे तो समझ लो मेरे माथे पे तिलक लग गया, ये आशीर्वाद मुझे अपने आप मिल जाएगा। यह हमारी संस्कृति है एक साथ सबके बीच आनंद मनाने की। एक दिन राखी क्यों मनाए, पूरा सावन का आनंद लेना चाहिए, और सावन के दिन नहीं पूरे वर्ष नारी सशक्तिकरण के दिशा में हमारी सरकार ने तो लगातार अकेले इसी महीने जब अपन राशि की बात करते हैं तो बालाघाट की बहनों के खाते में 8,92,00,000 की राशि केवल बालाघाट के अंदर डाली जाएगी, ये छोटी मोटी राशि नहीं होती। और जून 2023 से अगस्त 2024 तक 3,56,000 बहनों के खाते में 583 करोड़ रुपए की राशि आपके खाते में डल चुकी है। मुझे मालूम है कई सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता है, कई लोग बोलते हैं अरे लाडली बहनों के खाते में पैसा डालने से पैसे बिगाड़ रहो, इसकी क्या जरूरत है। हमने कहा भाई अरे तुम समझो, नारी सशक्तिकरण की बात अगर सरकार कहेगी तो बोलने से बात नहीं बनती, जब तक बहनों के खाते में पैसा नहीं आए। मुझे मालूम है हमारी माताएं बहनें अपने एक एक रुपए का सदुपयोग करना जानती है, वो पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जिसको जहां जरूरत होती है। बहनों के हाथ में अगर यश मिले, पैसा हाथ में आए, तो वाकई उनसे अच्छा सदुपयोग कोई नहीं कर सकता। भाई तो भले ही पैसा बिगाड़ दे, लेकिन बहन पैसे की कीमत जानती है। बोलो जानती कि नहीं जानती अपना पैसे की कीमत करना। और अगर अपने बीच में यह पैसा मिलता जाए तो नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। मैं आज के अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत जल्दी सिवनी के अंदर 300 करोड़ की लागत से इसी लोकसभा में नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होने वाला, जोरदार अभिनंदन करो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के। इसी साल 3 नए मेडिकल कॉलेज हमको मिलने वाले हैं और अगले साल तक सब मिलाकर के 25 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, और उसके बाद इसी साल 12 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे, अर्थात 37 मेडिकल कॉलेज इस मध्य प्रदेश में सरकार के चलाए जाएंगे। 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलग, अगर उनको जोड़ लो तो 43 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे इस मध्य प्रदेश के अंदर लगातार। और बालाघाट के अंदर तो लगातार मैंने अभी इन्वेस्टर समिट की थी औद्योगिक निवेश को लेकर के, बालाघाट में बड़ी अच्छी योजना बनी, और यहां तो 80% मैंगनीज का उत्पादन होता, तांबे का बड़ा भंडार मलाज खंड 2 किलोमीटर नीचे जाकर के लिफ्ट से अंदर जाना पड़ता है। मैंने कहा है अगली बार आऊंगा तो मैं भी जाके देखूंगा हमारे भाई कितनी मेहनत करते हैं, कितने आनंद से तांबा निकालते हैं। आज के इस अवसर पर मैं यहां जब आया हूं तो उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक करके जितने प्रकार के काम हैं, लगभग हमने अपने महिलाओं और बच्चों का बजट लगभग 2 गुना कर दिया है। हमारे 26,500 करोड़ के आधार पर ये अपने बच्चों का बजट बढ़ाया है। एक नहीं दो नहीं लंबी योजना है, लेकिन अभी तो लाडली बहनाओं के और उज्ज्वला गैस कनेक्शन के सभी बहनाओं के 450 रुपया गैस की टंकी के साथ उनको भी सब्सिडी लगातार देने का निर्णय सरकार ने किया है। आनंद आना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, गैस की टंकी अपने घर में आ रही है और 450 में आ रही है, पैसे का सवाल नहीं है। अपने बीच यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहनों की आंखों में जो असर आता था चूल्हे जलाने के लिए, और ऐसे कठिनाई के दौर में 450 रुपए टंकी का अगर मिल रहा है तो ये लाभ भी हमको जरूर उठाना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धीरे धीरे करके आज अपने अकेले इस बालाघाट के अंदर कई सारे काम करने की गुंजाइश है, लेकिन आज घड़ी अब मुझे अनुमति नहीं दे रही। मुझे किसी हालत में 5:30 बजे तक उड़ना है, अगर 5:30 बजे नहीं उड़ा तो मुझे कठिनाई हो जाएगी। ऐसे में हमने सबने तय किया है कि केवल अपने ऊपर और मंजिल पे बहनों से राखी बंधवाने जाना है और उसके बाद तुरंत निकलूंगा।
वैसे कहने के लिए तो तेंदुपत्ता का भी हमने 1,000 रुपया प्रति बोरे की राशि बढ़ाई है, 4,000 रुपया बोरा किया है। आने वाले समय में वक्त फिलहाल छोटा सा ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।